हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं जाने वाला हूँ दिल्ली जा रहा हूँ, मैं देहरादून से दिल्ली जा रहा हूँ। जैसे कि आपने कल मेरी एक वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। ऋषिकेश से देहरादून तक की थी वो। तो आज मैं देहरादून से दिल्ली जा रहा हूँ और मौसम थोड़ा ख़राब हो रखा है, तो फिर देखते हैं कैसे होता है। सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, कौन कौन से रास्ते पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं, जो मेन रास्ते होंगे सारा दिखाऊंगा आपको। एक बीच में ही पास में टनल भी पड़ती है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू। अभी आइस बीटी पहुंचा भी नहीं हूँ यहाँ पे से, और अभी गाड़ी चली हुई है कुलकुलान, 3.6 किलोमीटर चली हुई है और आगे इतना लंबा जाम लगा हुआ है। अब देखते हैं कब तक ख़त्म होता है। पिछले 5 मिनट से तो लगा हुआ है, धीरे धीरे चले जा रहा हूँ, इस तरफ को काम चल रहा है। तो बस अब यहाँ से देखते हैं फिर कैसे कैसे करना है। बस यहाँ से आगे के लिए निकल गए, सहारनपुर दिल्ली के लिए सीधा बता रहा है, तो मैं इसमें निकल जाता हूँ। ये आपको नीचे नहीं जाना, अगर आप किसी को नीचे जाना हो तो आइस बीटी पहुँच जाएगा। अगर आइस बीटी जाना हो तभी उससे जाना, अदरवाइज़ आप ऊपर से भी निकल सकते हैं। 40 की स्पीड दिखा रहे हैं, इसमें हम थोड़ा ज़्यादा चल रहे हैं, स्पीड लिमिट 40 है इसकी, हम लगभग 40 पे ही चल रहे हैं। तो बस यहाँ से अभी आगे जाके हमने लेफ्ट ले लेना है, अगर आता है देखते हैं। बोर्ड वैसे लगा होगा, एक घंटा घर के लिए लगा होगा राइट में, और लेफ्ट में दिल्ली के लिए लगा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो बस अभी कट ले लिया है दिल्ली के लिए देहरादून के यहाँ से, तो ये हाईवे पड़ेगा आपको, पहले जस्ट पहले ही पड़ेगा, इसके नीचे आइस बीटी है, ज़्यादा दूर नहीं है। बस मैंने यहाँ से लेफ्ट के लिए ले लिया है, तो यहाँ से जाएंगे डाटकाली, एक टनल पड़ती है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, पर वो वन साइडेड ही है, देखते हैं कैसा है टनल का, काफ़ी अच्छा है। जाते समय हमें पड़ेगी, आते समय पड़ती है, कुछ ऐसी होता है, देखेंगे उसमें क्या है, क्योंकि अलग अलग रूट कर दिए हैं, पर दिखाता हूँ। फिलहाल हम यहाँ पर पहुँच गए, तो अभी निकल गए वहाँ से आगे के लिए, हम निकल गए हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसा आपको दिख रहा होगा, ये देखो ऊपर मशीनें वगैरह चल रही हैं, अभी आपका आएगा ये देखो। और यहाँ बंदर भी बहुत ज़्यादा हैं, ड्राइव अगर कभी भी करें तो थोड़ा सेफली करें। यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पूरा प्रॉपर हाईवे बनेगा। लोगों को कितनी जल्दी है, देखो आगे से एकदम ट्रक आ रहा है, तो फिर तब काट रहे हैं गाड़ी। तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, तो अभी अगर डाटकाली के मंदिर आता है और वो टनल आती है तो वो दिखाता हूँ आपको। कह रहा था वो आ गई है सामने, दिख रहा होगा आपको, इसमें अब मैं एंटर करूँगा। शुरू में तो मुझे लग रहा था कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन जब इसके अंदर आ गए हैं तो लोगों ने लाइट जलाई, मैंने जलाई नहीं, मुझे दिख रहा है सब। पीछे से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, लिमिटेड स्पीड है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस करीबन ये एक से डेढ़ किलोमीटर की होगी, ज़्यादा तो नहीं है, एक से डेढ़ किलोमीटर की ही होगी। अभी हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ये निकले हम यहाँ से बाहर, फिर दिखाता हूँ आपको। अभी 19 किलोमीटर आया हूँ, फिर से जाम मिल गया है, तो काफ़ी एरिया तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन रोड काफ़ी पतली है। देखो गाड़ियाँ आई जा रही हैं, आई जा रही हैं, और देखते हैं अब हमारा कब होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगा है, एक एक करके निकाल रहे हैं, शायद आगे कोई बात हो रही है, तो देखते हैं अगर कुछ हुआ होगा तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। बट फिलहाल आप देखो वेदर कितना बढ़िया हो रहा है, आज धूप नहीं है, बारिश का मौसम हो रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कितनी ग्रीनरी हो रही है, गाड़ियाँ आए जा रही हैं, देखो ये सारी गाड़ियाँ आगे जाम में फंसी हुई थी, बस वही आए जा रही हैं। ये स्विफ्ट आ गई, ये ऑल्टो आ गई, ये आई ऑल्टो, ये आई i20, फिर स्विफ्ट, फिर बस ऐसी आई जा रही हैं, इनोवा वगैरह सब आ रही हैं। अब देखें कितनी देर में ये जा रहे हैं यहाँ से, करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा जाम लग रखा है। पहले हम रुके रहे, अब ये लोग रुके हुए, आगे में पतला रास्ता है, एक बारी में एक ही गाड़ी जा रही है, तो वहाँ पे पुलिस वाले लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से, इतनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ तक लगी हुई हैं। अब फिर से हमारा जाम हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये इतना जाम लग क्यों रहा है यार, तो वहाँ पर लगा हुआ है, गाड़ी के पीछे गाड़ी जा रही है। अभी सिर्फ चले हुए हैं 20 किलोमीटर चले हुए हैं, एक घंटा हो गया, समझ नहीं आ रहा कि क्या है, देखते हैं फिर कैसे कैसे कब कब पहुंचना होगा। 12 बजे निकला था मैं, 1 बज गया, और अभी तक सिर्फ 20 किलोमीटर चला पाया हूँ। इधर से वैसे मैं बेकार है, अगर आपको देहरादून से जाना तो आप इधर नेपाली फॉर्म होते हुए भी जा सकते हैं, वो काफ़ी वहाँ पर जाम वाम नहीं लगता, अब वहाँ रोड जितनी बननी थी सब बन गई है, और यहाँ अभी फिर से ऐसे ही जाम है, देखते हैं कहाँ पर खुलता है। फाइनली निकल गए हैं आगे के लिए, 2 किलोमीटर कंटिन्यू चल चुका हूँ, अभी तो खाली खाली मिल रहा है। अब
यहाँ से अभी मैंने पीछे देखा था, दिल्ली बता रहा है 221 किलोमीटर यहाँ से, और देखते हैं कब तक ये पूरा कवर होता है। मेरे हिसाब से 4-5 घंटे और लग जाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा उतना तेज़ चल नहीं रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ चल नहीं रहा हूँ। तो आपको दिख रहा होगा किस तरीके से। अब देखो यहाँ पे ये ट्रक बीचों बीच ख़राब हो गया, अभी तो नहीं लेकिन रात के समय यहाँ पे पक्का जाम लगेगा इसकी वजह से। तब तक सही हो जाए तो अच्छी बात है, पर वो तो ऐसा है कि बीचों बीच है तो दोनों तरफ से निकल रहा है। पर देखते हैं चलो आगे कैसे मिलते हैं। आगे फिर से जाम लग चुका है, 3 किलोमीटर चले थे फिर से जाम लग गया है। यहाँ पे शायद चौकी सी पड़ती है, वहाँ पे जाम लगा हुआ, आपको देख रहा होगा कितना लंबा जाम है। अब देखते हैं ये कितनी देर में ख़त्म होता है, वो भी बताता हूँ। तो आगे हूँ अभी हाईवे पे, बहुत ही अच्छा सीमेंटेड वाला है ये, डामर वाला नहीं है, जो डामर कोलतार वगैरह करके जो रोडें बनाती है वैसी नहीं है, सीमेंटेड रोड है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया, एकदम खाली, पीछे भी एक आधा ही गाड़ी आ रही है, अभी ज़्यादा नहीं आ रही, एकदम खाली, इसीलिए मैं वीडियो बना भी रहा हूँ। अभी हम चल रहे हैं ऐसी 70 की स्पीड पे चल रहे हैं बस, और अभी मैं निकला हुआ हूँ, 41 किलोमीटर हुए हैं ओनली अभी तक। तो पीछे जाम मिला था, आगे नहीं मिलेगा इतना तो है। और यहाँ आगे से अभी एक रुड़की के लिए कट जाएगी और एक कट जाएगी मुजफ्फरनगर के लिए। तो जब हमने दिल्ली जाना है तो रुड़की क्यों जाना है, मुजफ्फरनगर पहुँच जाएंगे। तो जब तक हम रुड़की पहुँचेंगे तो मुजफ्फरनगर तो टच भी करने वाले होंगे। स्पीड लिमिट है 80 और हम चल रहे हैं अभी 70 के आसपास। तो पूरा का पूरा हाईवे ऐसे ही है, देखो क्या लिखा हुआ है, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। हाँ तो नहीं चलानी चाहिए। तो बस यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं, तो मुजफ्फरनगर वाला रूट पकड़ लूँगा, रुड़की वाले में नहीं कटूँगा। एक बार मैं पहले भी आया था तो किसी ने मुझे बताया था कि मुजफ्फरनगर वाले में काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा जाम लगेगा, इसलिए मैं रुड़की वाले से चले गया। तो मुझे वो थोड़ा लंबा लगा, इसलिए बस आज मैं मुजफ्फरनगर वाले से ही जाऊँगा। देखो मौसम भी कितना अच्छा हो रखा है, मैं आपको बाहर का दिखाऊँ, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा है, धूप नहीं है, एकदम गाड़ी को मैंने एकदम क्रूज़ जैसा कर दिया है। ऐसी 70 की स्पीड पे देखो आप, तो एवरेज भी अच्छा निकाल के देगी। अभी हम चले हैं 42 किलोमीटर ओनली, और फ्यूल भी अभी है, पूरा घर तक पहुँच जाऊँगा तब भी बहुत बचेगा। तो कुछ इस तरीके से है, तो देखते हैं आगे। अभी एक टोल पड़ेगा, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, देखते हैं कि टोल में कितना पैसा पड़ता है, क्या है कैसा है। तो यहाँ पे आ गया है टोल, अब देखते हैं कितने कटते हैं। जहाँ ये वाइट गाड़ी लग रही है जा रही है वही दिखाता हूँ आपको, बस अभी यहाँ पहुँच ही गए। थोड़ा वाइड एंगल से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि प्रॉपर आपको पूरा का पूरा टोल दिख जाए, और कैसे कैसे इनका प्रोसेस रहता है वो सारा का सारा हो जाए। थोड़ा गाड़ी पीछे रखा करो, कभी कभी आपके उससे भी कट सकते हैं। बस यहाँ पे से कट गया है, UK 07X 1406 मेरी गाड़ी का नंबर भी आया वहाँ पे, बस वो कट गया है और अभी आगे निकलते हैं। वाइड एंगल से मैं दिखा रहा हूँ, देखो कितनी चौड़ी रोड है, बहुत चौड़ी रोड है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वाइड एंगल से करी, पूरी कैप्चर हो रही है, पूरी की पूरी कैप्चर हो रही है। अगर मैं नॉर्मल 1X से या 2X से करूँ तो सिर्फ फ्रंट का आता है, लेकिन ऐसे में पूरे का पूरा कैप्चर हो जाता है। कभी भी अगर आप शूट भी करें तो आप ऐसे ही करना। और तो अभी यहाँ पे सुबह से मैंने ये टोल कटवा दिया है, दिल्ली के लिए सीधा निकल गए हैं। अब ये सीधा मुजफ्फरनगर मिलेगा, और फिर मुजफ्फरनगर में देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी बुक मुझे भी लगी है, देखता हूँ रुकता हूँ नहीं रुकता हूँ कहीं पे, पर अगर रुकूँगा तो वो भी आपको साथ शेयर हो ही जाएगा। और अगर मैं गाड़ी की बात करूँ तो गाड़ी अभी 52 किलोमीटर चली है अप्रॉक्स, और अभी चल ही रहे हैं बस यहाँ से। अब हाईवे में 5वां गियर लगाया हुआ है गाड़ी में, 5वां गियर लगा दिया और क्रूज़ करते हुए चल रहे हैं, तो गाड़ी एवरेज भी अच्छा देगी। तो चलिए दिखाता हूँ अभी आपको। तो यहाँ पे अभी रुका था क्योंकि यहाँ पे पीछे में बोर्ड लगा हुआ था मुजफ्फरनगर और दिल्ली के लिए नीचे, और शायद ये अम्बाला के लिए सीधा जा रहे हैं। अगर दिखाऊं तो ये देखो, हाँ ये अम्बाला के लिए जा रहा है। आप कभी भी जाओ तो सीधा यहाँ से आपको नीचे के लिए जाना है, नीचे वाली रोड पर करीबन 58 जो ये वाला बोर्ड है ना जो आपको दिख रहा होगा उसमें लिखा हुआ था नीचे के लिए। तो मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, मैं इसलिए रुक गया। आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो रुक जाना, नहीं तो ये कहाँ तक जा रहा है इसका आइडिया आपको भी नहीं है। और गाड़ी को जिस तरीके की, अभी थोड़ी बहुत बारिश पड़ी थी, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि विंडो इसकी फ्रंट का ग्लास ने काफ़ी गंदा रखा, तो इसको अभी साफ करके फिर आगे के लिए निकलूँगा। तो चलिए दिखाता हूँ आपको नीचे जाके फिर कैसे कैसे आगे क्या क्या टोल कौन से ये टोल पड़ता है यहाँ पर। ये जैसी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि मैंने जहाँ पर गाड़ी रोकी थी वहाँ से दिल्ली के लिए आप कट मार लीजिए, तो जैसे ही आप कट मारोगे उसके ही बाद तुरंत ही टोल पड़ जाता है। तो अब समझ नहीं आ रहा, चलो देखते हैं आगे कैसा होता है, क्या कितना है। और अभी मैं घर से सिर्फ 61 चला हूँ, दो टोल कट चुके हैं,
तो ये इससे अच्छा तो फिर मैं वाले रूट से जाता, कोई बात नहीं, वो 10-20 किलोमीटर फालतू पड़ता है, लेकिन इतने टोल नहीं है वहाँ पे जितने इसमें है। फिर मुजफ्फरनगर वाला भी पड़ेगा, फिर मेरठ वाला पड़ेगा, हतौली वाला, फिर उसके बाद मेरठ एक्सप्रेस वे वाला पड़ेगा। ये समझ नहीं आ रहा क्या सीन है इन लोगों का इतना टोल काटने का। और बारिश हो ही रही है, देखो आपको शीशे पे दिख रहा होगा, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो दिखाता हूँ जहाँ पे अभी एग्जिट है, वो मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं वहाँ पे पूछ रहा था अभी पीछे कैसा कैसा है, तो सब कुछ उन्होंने बताया जो मैंने आपको अभी बताया क्या क्या वो बोल रहा था। तो अभी एग्जिट पे देखेंगे क्या है, एग्जिट पे पर्ची देके फिर आगे निकलेंगे। यहाँ कुछ बोर्ड लगे हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा किधर किधर के लिए हैं ये, अभी आगे जाके देखता हूँ। एक बोर्ड तो दिख रहा है मुझे, अभी देखता हूँ क्या लिखा हुआ। दिल्ली 146, मेरठ 83, अलीगढ़ आगरा इतना इतना है, ठीक है। हाँ तो मतलब मैं सही आ रहा हूँ क्योंकि मैं इस रूट से पहली बार आ रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ आप सभी के साथ भी शेयर करूँ कि कभी आप आएँ, और अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत ही ईजी पड़ जाएगा। अब देखते हैं लंच के लिए, शायद मैं कहीं पे मुझे रुकना पड़ेगा, भूख लग रही है, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो खाना खा के फिर आगे की ड्राइव करूँगा स्टार्ट। अभी देखता हूँ कोई अच्छा सा ढाबा आएगा। तो अभी फिर से बारिश पड़ने लग गई है, वाइपर मैंने एक पे चलाया तो हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, और यहाँ से अप्रॉक्स जो मुजफ्फरनगर है वो आने ही वाला है थोड़ी देर के बाद। तो आप मौसम अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। यहाँ पे देखो अभी एक बोर्ड लगा हुआ है, देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। ये लेफ्ट साइड में है, मुजफ्फरनगर सीधा है सहारनपुर के लिए, सहारनपुर के लिए यू टर्न है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे वाला टोल कितने पे आएगा, जहाँ पे ये 155 वाली पर्ची देनी है। तो चलो देखते हैं आगे कब आता है वो देखते हैं। पर यहाँ बहुत ग्रीन ग्रीन है, खेती बहुत ज़्यादा है लोगों, पूरा यूपी में आता है ये एरिया। ये देखो मेरठ रह गया है, ये बोर्ड आ गया यहाँ पे, मेरठ रह गया 77, अलीगढ़ 215, आगरा 305। तो मेरठ 77 है, वहाँ से फिर हम सीधा एक्सप्रेस वे पकड़ लेंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे घर, ज़्यादा दूर नहीं है। चलो देखते हैं कब तक। तो अभी पहुँच गया हूँ टोल में, देखते हैं क्या कहते हैं वो भैया। यहाँ पे टोल आ गया, गेट नंबर 1 में ले लूँ क्या 2 में ले लूँ, इधर ही ले लेता हूँ जहाँ ये गाड़ी जा रही है, वहाँ जाके देखते हैं भैया पर्ची देनी है जैसा उसने बताया। देखते हैं अब ये लोग क्या कहते हैं। उधर भी खाली है पर पीछे से भी वहाँ गाड़ी जा रही, चलो इसी में चल लेते हैं, ये नहीं लगता कि ज़्यादा देर लगेगी यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, एक बार मैं इससे पहले भी आया था लेकिन मैं उधर से आया था तो मुझे थोड़ा ढंग से याद नहीं आ रहा। तो कुछ इस तरीके से रहता है, बारिश पड़ी रही है। देखते हैं अपना नंबर आता है जो ये पर्ची है ये देनी है यहाँ पे, जैसा उस आदमी ने बोला। अभी मैं इनसे भी पूछता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं, मेन है ये लोग, वो आदमी नहीं है यहाँ पे, देखेंगे फिर कैसे कैसे होता है। फाइबर बंद कर लेता हूँ, बेफालतू में शीशे को और गंदा कर रहा है। फिर देखते हैं यहाँ से क्या है। मैं तो बस पहले भी जैसे कह रहा था कि यहाँ पे जो ये फास्टैग लगा हुआ है इसी से आप पैसे काट लीजिए, कहाँ पहले वहाँ पे हम पर्ची लें फिर ले, और अगर किसी के पास कैश नहीं हुआ तो वो फंस गया। जैसे यहाँ पे 155 का तो कट गया है, पूछता हूँ भैया क्या सीन है, पर्ची देनी ना बस, जाऊँ पर्ची। तो आगे वालों का क्या सीन था ये तो मुझे पता नहीं है, बस मैंने यहाँ पे पर्ची दिखाई, देखी भी नहीं उसने, और बोल दिया सीधा जाओ। हाँ तो मेरे को याद आ रहा है जब मैं एक बार दिल्ली से आ रहा था तो मैं इसी रूट पे आ गया था, फिर मैंने कहा मुझे देहरादून नहीं जाना इसलिए मैं रिटर्न चले गया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो अगर तब तक आप थोड़ा वेदर देखो कैसा हो रखा है, इतना ग्रीन ग्रीन हो रखा है, गाड़ी भी चल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, एसी वेसी की ज़रूरत है नहीं, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। विंडोज अगर आपको दिखाऊँ फ्रंट से दिखाता हूँ तो ऐसा है। अभी पर्ची का अब समझ नहीं आ रहा क्या करना है, अंदर रख देता हूँ संभाल के, अगर बाई चांस ज़रूरत पड़े तो देखते हैं। और अब देखते हैं फटाफट से मेरठ पहुँचते हैं, मेरठ का एक्सप्रेस वे अगर या फिर बीच में कोई टोल आता है तो वो भी आपको दिखाऊंगा। वैसे आएगा नहीं, अब सीधा मेरठ वाला ही आएगा, पर फिर भी एक चांस 1% है कि वो आ सकता है, तो आता है तो फिर आपको दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ से मैंने कट ले लिया है, पीछे से वो रोड पता नहीं किधर जा रही थी, मतलब आगे से जाके फिर से दिल्ली के लिए कट मारना पड़ता, लेकिन ये बाईपास वाला है। तो अभी मैंने एक दो से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इस वाले रोड से चल जाओ, ये आपको कम्फर्टेबल पड़ेगा, जाना उस रास्ते ने भी वही है, बट वो रास्ता सीधा भी कहीं और जा रहा है, मुझे पता नहीं किधर जा रहा है। जैसे आप आते हो तो दो बार आपको ध्यान रखना है, एक जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो अम्बाला के लिए जा रहा था तो वहाँ से नीचे के लिए कट ले लिया,
और इसके यहाँ जाने के लिए भी आपको बाईपास से ही आ जाएंगे, तो आपको काफ़ी बेस्ट पड़ेगा। नहीं तो आगे जाके आपको कट लेके फिर से ही इसमें ही आगे कनेक्ट होना ही पड़ेगा। बारिश हल्की हल्की पड़ी रही है धीरे धीरे, मौसम उससे बहुत अच्छा हो रखा है। हल्की हल्की ठंड भी लग रही है मुझे, मैं जैकेट भी साथ में लेके आया हूँ, अगर लगेगी तो पहन भी लूँगा, बट लग नहीं रहा कि पहनने की नौबत आई। कुछ इस तरीके से सारा का सारा दिखाता हूँ आगे के। अभी पहुँच गया हूँ यहाँ पे, मैं यहीं पीछे में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि किधर को जाना है, तो मैं पूछ के आया हूँ अभी। तो बस मैं ये खतौली वाले रूट पे मिल गया हूँ, ये यहीं पे समझ लिया। यहाँ पीछे एक बामन हेड भी पड़ता है, मैं पहले भी आया था एक बार वहाँ पे, तो बस मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। यहाँ से तो मेरे को पूरा पता है, थोड़ा मैंने मैप भी ऑन किया हुआ था फ़ोन में, अब उसके बाद मेरे को ज़रूरत नहीं है। जो जब हम रुड़की से आते हैं सीधा सीधा ये वाली रूट, ये वाला रूट मैंने पकड़ लिया मुजफ्फरनगर में, बस फिर यहाँ से होगा करीबन डेढ़ दो सवा दो घंटे लग जाएंगे घर पहुँचने में। फिर भी देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं, और जो कुछ भी होगा आपके साथ शेयर करता हूँ। और अभी मैंने खाना नहीं खाया, तो देखता हूँ कहीं पे बीच में रोक के, थोड़ी बारिश भी हो रही है कहीं पे, ऐसे देखना पड़ेगा जहाँ पे मैं भीगूँ ना, तो चले देखते हैं। तो अभी यहाँ पे गाड़ी रोकी थी मुजफ्फरनगर में, और थोड़ा मैंने यहाँ पे टिक्की ले ली, मैंने कहा भूख लग रही है कुछ खा लेता हूँ, तो चलो अंदर बैठ के पहले खा लेता हूँ। तो अभी बस गाड़ी के अंदर बैठ गया हूँ, बारिश हो रही है, देखो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ये लेके आया हूँ, बस इसको फिनिश करता हूँ जैसा पहले दिखाया, तो बस इसको फिनिश करके फिर यहाँ से। तो अभी पहुँच गया हूँ टोल में, यहाँ पे अभी लाइन लगी हुई है, बहुत लाइन लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा लाइन लगी है, देखो कब तक नंबर आता है। तो इस टोल का एक पीछे से शॉर्टकट भी जाता है, लेकिन वो थोड़ा उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है, मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं वहाँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बेफालतू में अगर गाड़ी एक बार फंस गई तो निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो कभी भी ऐसा हो तो आप थोड़ा बच के चलना। अभी मैं दिखाता हूँ कि कितना कैसे कैसा चार्जेज है। तो बस टोल पार कर दिया, बस यहाँ के अभी आगे के लिए निकला हूँ। अब इसके बाद पड़ेगा मेरठ एक्सप्रेसवे वाला जो पड़ता है, 100 रुपये के आसपास वो भी कटेगा, 90 रुपये के आसपास ये भी कटा है, तो और फिर हम अपने घर पहुँच जाएंगे कुछ ही टाइम में। तो सीधा आपको उसी टोल पर मिलता हूँ, मिलवाता हूँ, मतलब दिखवाता हूँ, और दिखवाने के बाद उसको दिखाने के बाद सीधा आपको नोएडा दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो बस यहीं पे रुका था थोड़ा ब्रेक के लिए, मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, और देखो यहां पे बारिश का मौसम है, कितनी कैसे गाड़ियां चल रही हैं। तो अरे पूरा हाईवे यहां पे बोर्ड भी है, दिल्ली 65 किलोमीटर रह गया, गाजियाबाद 14, मोदी नगर 22। अभी हम सीधा मेरठ एक्सप्रेसवे में चढ़ जाएंगे जो सीधा नोएडा कनेक्ट होता है, और उसके आगे दिल्ली कनेक्ट होता है, तो इस तरीके से है। तो बस अब यहां से आगे चलते हैं, और फिर दिखाता हूँ आपको जो टोल पड़ेगा और एक्सप्रेस वे दिखे। तो फाइनली पहुँच चुके हैं अपने ट्रिप के लास्ट टोल में, और अगर मैं आपको दिखाऊं कि अभी कितना किलोमीटर चले हैं हम, टोटल 186 किलोमीटर चला हूँ, टोल आ गया ये अप्रॉक्स 40 किलोमीटर का पड़ता है, और उसके बाद हम नोएडा में एंटर हो जाएंगे उसके बाद। तो यहाँ पे देखते हैं कितना कटता है, अप्रॉक्स 110 कटता है, फास्टैग हमने लगा रखा है, ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सब जगह गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लास्ट टोल है दिल्ली और मेरठ का जो एक्सप्रेस वे है जो नया बना है उसमें। इससे थोड़ा पहले आप देखेंगे कि वहाँ पे लिखा होगा काशी शुल्क प्लाजा ऊपर लिखा हुआ है, तो बस यहाँ से देखते हैं। अभी गाड़ियाँ आगे निकल रही है, हमारा नंबर बस आ ही गया, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, 2-3 मिनट हो गए, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है टोल में, भाई यहाँ से फटाफट हो गया, थैंक यू बोल दिया उन्होंने, 110 रुपये लेके थैंक यू बोल रहे हैं। ये देखो यहाँ कितनी गाड़ियाँ खड़ी उस तरफ से, ये इस तरफ से, बस यहाँ से फिर हम नोएडा पहुँच जाएंगे, वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। और ये हमारी पूरी जो ट्रिप है वो अप्रॉक्स 200 प्लस ही हो जाएगी, अभी 186 है, तो ये 40 किलोमीटर समथिंग ये पड़ेगा, और फिर जो ट्रिप है वो 135 समथिंग हो जाएगी, 235 समथिंग हो जाएगी। तो देखते हैं फिर आगे कितना टोटल कितना होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, पर अब हम सीधा मिलते हैं नोएडा। तो फाइनली पहुंच चुके हैं ट्रिप, इस ट्रिप में लास्ट में पहुंच चुके हैं, नोएडा पहुंच चुका हूं। बारिश हो रही है बाहर, आपको दिखा नहीं सकता, चलो दिखा देता हूं, देखो बाहर हो रही है बारिश। तो अभी मैं रुका हुआ हूं यहां पे, तो मैंने आपको सारा दिखाया कि किस किस तरीके से होता है। तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना,
और अगर जो कोई भी मेरी नई ट्रिप मैं अगर प्लान करता हूँ या कहीं जाता हूँ तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।